हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ इसका नाम है जर्नल। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है लेकिन एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा कोई ना कोई एमसीक्यू आया है और आप लोग पहले भी इसकी प्रिपरेशन कर चुके हो। आपको सिर्फ इसमें पूछा क्या जाता है, अगर इस टॉपिक की बात करें कि कोई ट्रांजेक्शन आपको दे देंगे, परचेज गुड फॉर कैश या सोल्ड गुड फॉर कैश, पूछा यह जाता है कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सिर्फ इतना कि किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसका जर्नल एंट्री बनाना, आपने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही पूछे गए हैं कि किसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, यानी किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि हमें कैसे दिखाना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट। साथ ही साथ दोस्तों ये बता दूं कि जो हमारी ऐप थी किरण्स कॉमर्स जोन, उस पर जो टेस्ट सीरीज थी, जो मॉक टेस्ट थे 10 टेस्ट, जिन बच्चों ने परचेज किए थे पहले, अब उनको ये दिक्कत आ रही थी कि वो टेस्ट खुल नहीं रहे थे। उन टेस्ट की एक वैलिडिटी थी 6 मंथ्स की, वो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। हमने बैक एंड से कोशिश की कि ये टेस्ट उनके लिए खुलवाए जा सके क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर रखी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट नहीं खुल पा रहे क्योंकि बैक एंड से वो कह रहे हैं कि जब एक बार वैलिडिटी खत्म हो जाए तो फिर वो टेस्ट दोबारा से उन लोगों के लिए नहीं खुलते। तो आई एम सॉरी टू से कि बहुत कोशिश के बाद भी वो टेस्ट जिन बच्चों ने लिए थे, एक बार दे भी चुके हैं, अब दोबारा वो नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी जिन लोगों को वो टेस्ट अभी जिन्होंने नहीं लिए, वो आप जाके हमारी जो किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां से आप वो टेस्ट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जर्नल। दोस्तों जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड बनाना, यानी जो आपके बिजनेस में दिन में जो कुछ हुआ, चाहे वो इनकम हुई, चाहे वो एक्सपेंस हुआ, चाहे आपने कोई चीज़ बेची खरीदी, कोई भी हुआ, वो रिकॉर्ड बनाना। हमारी जो अकाउंटिंग शुरू होती है, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं, ये सबसे पहला स्टेप है जर्नल। तो जर्नल हमारी जो है प्राइम एंट्री, जिसे हम कहते हैं कि सबसे पहले हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो होती है जर्नल। तो इसमें हम पूरे दिन की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले जान लेते हैं क्या है जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब देखो जिस जिस चीज को मैं अंडरलाइन करूंगा वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो जर्नल को क्या कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि पहली बार जो एंट्री है ओरिजिनली इसी बुक में रिकॉर्ड की जाती है। सो जर्नल इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली, जिसमें हर ट्रांजेक्शन को हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। द वर्ड जर्नल हैज बीन डराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर। जो जर्नल जो वर्ड है ये कहां से आया? फ्रेंच वर्ड इससे, जोर से, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स ए डे, यानी जिसका मतलब एक दिन होता है। यानी ये जर्नल जो है एक दिन का जो पूरा हिसाब किताब है उसी को हम जर्नल कहते हैं। दस ए जर्नल मीन्स ए बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यानी जर्नल इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल वो बुक है जिसमें हम सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनकी कोई मनी वैल्यू है। नेक्स्ट इज द ट्रांजेक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लो कि जो जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जब वो होती हैं तभी उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी जब वो हुई तभी रिकॉर्ड करती है। ऐसा नहीं है कि आज की ट्रांजेक्शन हम कल रिकॉर्ड करें, कल की परसों रिकॉर्ड करें, अभी कोई ट्रांजेक्शन हुई उसको अभी हम रिकॉर्ड कर देंगे, उसी को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज डन इन जर्नल। पहली रिकॉर्डिंग किसमें की जाती है? ये भी एमसीक्यू बन सकता है। किसमें की जाती है? जर्नल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर्कल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं या फिर प्राइम एंट्री भी कहते हैं, ये आपने जरूर याद रखना है, जिसको मैंने सर्कल किया है। ठीक है, ये तो हो गया जर्नल जिसमें हम डेली का रिकॉर्ड बनाते हैं। अब जर्नल में बेसिकली आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है कि कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, बस इतना ही। चलिए जी,
अब सीख लेते हैं कि किस अकाउंट को आपने डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट, वो कैसे होगा। देखिए, कोई भी जर्नल बनाने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जर्नल कैसे बनाएंगे। देखिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक ही रूल चलता है। वो रूल क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट और क्रेडिट, जब भी एसेट और एक्सपेंस की बात हो तो डेबिट में हम लिखेंगे इंक्रीज और क्रेडिट में हम लिख देंगे डिक्रीज। ये याद रखना। किसके लिए, यहां पे भी लिख देता हूं, एसेट्स या एक्सपेंस के लिए एक ही रूल है। वो रूल क्या है कि अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हो तो हमें लिखना है डेबिट में, और डिक्रीज हो रहे हो तो लिखना है क्रेडिट में। क्लियर हो गया। पहले हम एसेट्स और एक्सपेंस की बात करके कुछ जो ट्रांजेक्शन उसकी जर्नल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, मैंने कैश में 5,00,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। अब आपको जो एमसीक्यू आएगा वो भी इसी के ऊपर ही आएगा, इसी तरह का आएगा कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। पहले सबसे पहले हमने खरीदा क्या, दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है, एक है बिल्डिंग, दूसरा है कैश। और आप देखो कि ये दोनों ही जो कॉम्पोनेंट है ये दोनों एसेट्स हैं। इन चीजों की पहचान होना जरूरी है कि कौन सी चीज एसेट है, कौन सी चीज एक्सपेंस है, कौन सी चीज इनकम है, कौन सी चीज लाइबिलिटी है, कौन सी चीज कैपिटल, ये पहचान होना जरूरी है, तभी तो आप जर्नल बना पाओगे। तो हमने देखा कि हमने क्या खरीदा, बिल्डिंग, और किसके बदले खरीदी, कैश के बदले में, दोनों ही एसेट्स हैं। और एसेट्स का रूल क्या है भाई, इंक्रीज को डेबिट कर लो, जो एसेट आपका इंक्रीज होगा डेबिट कर लो, जो डिक्रीज होगा क्रेडिट कर लो। और सेम एक्सपेंस के लिए, फिलहाल हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, दो एसेट्स हैं बिल्डिंग और कैश, कौन सा एसेट इंक्रीज और कौन सा डिक्रीज। अब आपने देखना है बिल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज। देखो, जो भी चीज आप खरीदोगे, कोई भी चीज, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, वो मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, गुड्स हो सकती हैं, कोई भी चीज जब आप खरीदोगे वो चीज इंक्रीज ही होगी। तो यहां अगर बिल्डिंग है तो आपकी बिल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है, यानी बिल्डिंग की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज है तो हमें कहां क्या लिखना, कहां लिखना उसको, ये सामने आपके डेबिट में लिखना है। इसका मतलब बिल्डिंग को हम कर देंगे डेबिट। अब कैश, जब आप कोई चीज खरीदोगे, बिल्डिंग या कुछ भी खरीदो, तो कैश आपका बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। कोई चीज खरीदोगे तो बदले में क्या दोगे आप, कैश दोगे, इसका मतलब कैश आपका कम हो जाएगा। तो डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा, कैश को। बस ऐसा ही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक ट्रांजेक्शन होगी, आपको ये पूछा जाएगा किस अकाउंट को डेबिट करना, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो यहां पर हमने बिल्डिंग को डेबिट करना और कैश को क्रेडिट। अच्छा, अगली देखो, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने कैश में फर्नीचर बेचा, सपोज करो 10,000 का। अगेन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, फर्नीचर और कैश की बात हो रही है, और दोनों ही एसेट हैं। तो अगर दोनों एसेट हैं तो रूल क्या है, इंक्रीज को डेबिट कर लो, डिक्रीज को क्रेडिट। हम पहले फर्नीचर पे फोकस करेंगे। मुझे बताओ कि आपने फर्नीचर बेचा, बेचने पे आपका जो फर्नीचर है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, जब भी हम कोई चीज बेचेंगे तो वो चीज कम हो जाएगी, खरीदेंगे तो बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब फर्नीचर जो आपने बेचा, आपके पास फर्नीचर कम हो गया, कितना कम हो गया, 10,000 का, ठीक है। चलो हम ही फिलहाल तो बात करें, फर्नीचर कम हो गया, डिक्रीज है तो कहां लिखना है, क्रेडिट में, तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। अच्छा, आपने फर्नीचर बेचा तो बदले में क्या लिया, बदले में आपने कैश लिया, और कैश हमारा क्योंकि एसेट है तो लेने से कैश हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैश बड़ा इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट, तो कैश को कर देंगे डेबिट। तो इस केस में किसको क्रेडिट किया हमने, फर्नीचर को, क्यों, क्योंकि फर्नीचर हमारा डिक्रीज हो गया और कैश हमारा इंक्रीज हो गया, इसलिए उसको डेबिट कर लिया, क्योंकि रूल में यही लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, परचेज प्लांट फॉर कैश, मैं छोड़ दो, प्लांट फॉर कैश छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, परचेज प्लांट बाय चेक, मैंने प्लांट खरीदा कोई और उसके बदले में चेक दे दिया
20,000 का। अगेन यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, प्लांट और चेक। और आपको सबको पता है कि चेक की जो फाइनल सेटलमेंट होती है बैंक में होती है, मतलब यहां बैंक की बात होगी, ठीक है। अब दोनों यहां पर अगर हम देखें, प्लांट और बैंक दोनों ही एसेट हैं। अगर एसेट है तो प्लांट की बात करें, मैंने प्लांट खरीदा, मुझे बताओ प्लांट बढ़ा या घटा? ऑफ कोर्स प्लांट क्या हुआ, बढ़ा, जो चीज खरीदोगे बढ़ेगी। तो अगर कोई चीज इंक्रीज हुई तो इंक्रीज को हम कहां लिखते हैं, डेबिट में, तो प्लांट को कर दिया डेबिट। और बैंक चेक, मैंने इसके बदले में चेक इशू किया, चेक इशू किया मतलब हो गया कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा, और एसेट बैंक में मेरा जो बैलेंस पड़ा है, मतलब जो कैश पड़ा है, वो मेरा एसेट है, और एसेट कम हो जाएगा मतलब डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या करना है, क्रेडिट। तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो किसको डेबिट किया, प्लांट को, और किसको क्रेडिट किया, बैंक को। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूंगा दोनों की। अभी तक हमने जो यहां पे बात की, हमने देखा कि सिर्फ एसेट्स की ही बात हो रही थी। इस ट्रांजेक्शन में भी एसेट्स की बात हुई, इस ट्रांजेक्शन में भी एसेट्स की बात हुई, इस ट्रांजेक्शन में भी एसेट्स की बात हुई। अब मैं एक ऐसी ट्रांजेक्शन लूंगा जिसमें एसेट और एक्सपेंस दोनों की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने 2000 की गुड्स कैश में खरीदी। अब देखिए जो गुड्स है यानी स्टॉक है या परचेज है, इसमें कुछ ऑथर्स परचेज को यानी स्टॉक को एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, कुछ इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो आप एसेट या एक्सपेंस कैसे भी ट्रीट करो, आपको कौन सी वहां पे क्लेरिफिकेशन इतनी देनी है, जस्टिफिकेशन देनी है, आप कैसे भी ट्रीट करो, दोनों के लिए रूल तो सेम ही लगने वाला है। हम ये मान के चलते हैं कि परचेज हमारा एक्सपेंस है, बेसिकली ज्यादातर एक्सपेंस ही मानते हैं परचेज को। तो हम ये मान के चलते हैं कि परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अब जब हम कोई चीज खरीदते हैं बेचने के लिए, हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस खरीदेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, ऑफ कोर्स खरीदने पे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गुड्स जो हमारी हमने खरीदी वो हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़े तो एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल क्या है, इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो इस केस में हम किसको डेबिट करेंगे, परचेज को। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी, हमने क्या इसके बदले खरीदी, कैश के, इसके लिए तो लगा एक्सपेंस का रूल, इसके लिए एसेट का रूल, हालांकि रूल दोनों का सेम है। अब जब हमने गुड्स कैश में खरीदी, कैश आपका बढ़ जाएगा या घट जाएगा, खरीदने पे हमेशा कैश घट जाता है, बेचने पे बढ़ जाता है, तो कैश हमारा घट जाएगा क्योंकि हमने खरीदा, घटा मतलब डिक्रीज, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैं किसको क्रेडिट कर दूंगा, कैश को। तो हमने किसको डेबिट करना है, परचेज को, और किसको क्रेडिट करना है, कैश को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने दो की बात की, एसेट्स और एक्सपेंस, हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन ली जिसमें किसकी बात हो रही थी, एसेट्स या फिर एक्सपेंस की। एक और बात करते हैं, एक्सपेंस की और बात कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं लिखने के लिए, और एक्सपेंस और कैश की बात कर लेते हैं। मान लो पेड सैलरी, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी 10,000 की, ठीक है। अब देखिए जब हम किसी सर्विस के बदले में पेमेंट करते हैं, किसी सर्विस के बदले में, तो वो हमारा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने सैलरी के लिए पेमेंट कर दी, आपने रेंट के लिए पेमेंट कर दी, आपने किसी को, किसी ने अपने कुछ काम वाम कर दिया, आपने उसको कमीशन दे दी, तो सर्विस के बदले में जब पेमेंट करें तो वो हमारा एक्सपेंस है। तो पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, सैलरी, इट मीन्स सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस। अच्छा, पेमेंट करने से खर्चे बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं, पेमेंट करने से खर्चे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, लायबिलिटी कम हो जाती है, याद रखना, पेमेंट करने से सिर्फ लायबिलिटी कम हो जाती है लेकिन एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते हैं। मान लो आपने 10,000 सैलरी दी, इससे पहले आप 20,000 सैलरी दे चुके थे, 10,000 आपने और दी, इसका मतलब आपकी सैलरी टोटल कितनी पे कर दी, 30,000, तो आपके खर्चे बढ़े ना, तो पेमेंट करने से हमेशा खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने सैलरी दी, इसका मतलब हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। अच्छा, एक्सपेंस के लिए भी क्या रूल है, इंक्रीज है तो क्या कर देना है, डेबिट। तो यहां पर सैलरी को मैं कर दूंगा डेबिट, एक कंपोनेंट आ गया। दूसरा, आपने सैलरी दी कितनी, 10,000, 10,000 मतलब किस में दी, कैश में दी ना, अगर कुछ लिखा नहीं गया इसका मतलब आपने कैश पेमेंट की। कई बार चेक से भी पेमेंट करते हैं लेकिन उस केस में लिखा होता है कि पेड बाय चेक, तो यहां चेक का जिक्र नहीं है, इसका मतलब कैश पेमेंट की, और कैश हमारा एसेट है। जब आप कोई पेमेंट करते हो, जब आप किसी कोई एक्सपेंस पे करते हो, तो अल्टीमेटली हमारा कैश जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पे कर दिया आपने, तो डिक्रीज, कम हो गया मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा, कैश को। तो अगर हम जेंटी बनाएं तो हमारी एंट्री ये बनेगी, सैलरी अकाउंट,
डेबिट टू कैश, हालांकि आपको जर्नल एंट्री वहां बना के नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे सिर्फ विच अकाउंट इज टू बी डेबिट, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। तो पेड सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर लेंगे, क्यों, पेमेंट करने से एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज को डेबिट किया जाता है, और कैश को क्रेडिट कर लिया, क्यों, क्योंकि पेमेंट करने से कैश डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी तरह मान लो हो पेड रेंट, भाई किसी तरह का एक्सपेंस है, अगर पेमेंट किए तो इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हुए, और इंक्रीज हुए तो क्या करेंगे, डेबिट, इसका मतलब रेंट को डेबिट कर लेंगे, और रेंट दिया 5,000 किस फॉर्म में, भाई कैश के फॉर्म में, यहां जरूरी नहीं कि लिखा मिले कि पेड रेंट इन कैश, रेंट दिया इट मींस कैश में पेमेंट हुई, तो हम अज्यूम कर लेते कि कैश में पेमेंट हुई है, तो अगर हमारी कैश में पेमेंट हुई इसका मतलब कैश हमारा डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज को क्या कर लेते हैं, क्रेडिट, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, अभी मैं सिंपल ले रहा हूं, नेक्स्ट सेशन में थोड़ी सी डिफिकल्ट लूंगा, लेवल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा। तो हमने बात कर ली किसकी, एसेट्स और एक्सपेंसेस की, ये रूल उसमें एप्लीकेबल है, एसेट्स और एक्सपेंस का सेम ही रूल है, इन दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और दोनों अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब करते हैं बाकी चीजों की बात, बाकी क्या बचा, बाकी चीज बची इसमें, एसेट्स और एक्सपेंस की बात कर ली थी हमने, बाकी चीज बची इसमें कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स, ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम, इनके लिए भी सेम ही रूल है, सॉरी इनके लिए रूल इसका उलट है, डेबिट में हम लिखेंगे डिक्रीज और क्रेडिट में हम लिखेंगे इंक्रीज, याद रखना इन तीनों के लिए सेम रूल ये, लेकिन इसका उलट, एसेट और एक्सपेंस का उलट, एसेट में डेबिट में हम इंक्रीज लिखते थे, लेकिन इसमें डेबिट में हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज, क्रेडिट में हम यहां डिक्रीज लिखते थे, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, इंक्रीज, कि अगर हमारी कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम्स डिक्रीज हुई तो डेबिट, और यही चीजें हमारी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। एक एक करके हम इन तीनों का एक एक जो स्टेट एक ट्रांजेक्शन है वो लगा के हम तीनों को हम ट्राई करेंगे, कैसे हम डेबिट, कैसे हमें क्रेडिट करना है। चलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लूं, चलिए जी, सबसे पहले हम कैपिटल को ले लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने कैश से बिजनेस को शुरू किया, मान लो हमने बिजनेस में 1,00,000 रुपए का कैश लगाया, बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब हो गया कैपिटल लगाना, ठीक है, तो दो चीजों की बात यहां पर हो रही है, कैपिटल और कैश की, ठीक है, जब हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे, कैश लगाएंगे, कितना कैश लगाया, 1,00,000, तो बताओ हमारी कैपिटल बढ़ गई या घट गई, तो जब कोई भी प्रोपराइटर या ओनर बिजनेस शुरू करता है और शुरू करने के लिए जो भी कैश या बाकी चीजें जो रिसोर्सेज वो यूज करता है, तो उतनी हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कैपिटल जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो यहां पर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। और कैश, अब मान लो मैं किसी बिजनेस को शुरू करने में 1,00,000 रुपए कैश इन्वेस्ट करता हूं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अरे बिजनेस शुरू किया मेरे से कैश चला गया, नहीं, हमें देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बिजनेस के पास वो कैश आया मतलब कैश इंक्रीज हुआ, और एसेट्स, एक रूल किसका लग रहा है, कैपिटल का, दूसरा किसका लग रहा है, एसेट्स का, और एसेट्स की इंक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट, तो कैश को मैं कर लूंगा डेबिट। तो याद रखना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कोई ना कोई ओनर या प्रॉपर्टी लगा रहा है, तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल इंक्रीज हुई, तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और एसेट्स इंक्रीज हुए तो क्या करते हैं, डेबिट। तो किसको डेबिट किया, कैश को, और किसको क्रेडिट किया, कैपिटल को। आई होप इसका रूल आपको समझ आ गया। अब अगला देखो, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मैंने मोहन से फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा 5,000 का। अगर सिर्फ मैं इतना भी लिख देता कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन, तब भी इसका मतलब ये होता है कि ये उधार पे खरीदा गया है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपने कैश में खरीदी तो कैश का जिक्र होगा या फिर नाम का जिक्र नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी परचेज में सिर्फ नाम का जिक्र आ रहा है, कैश का जिक्र नहीं आ रहा, इट मींस वो उधार है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं परचेज गुड्स
हमने गुड्स खरीदी, ये कैश पे है, बिल्कुल कैश पे है। अगर मैं लिखूं परचेज गुड्स फॉर कैश, ये कैश पे है, बिल्कुल कैश पे है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मैंने राम से गुड्स खरीदी, तो ये जो हम खरीद रहे हैं राम से, ये क्रेडिट पे है। तो याद रखना, जब भी कोई चीज आप उधार पे खरीदते हो तो कैश का जिक्र उसमें नहीं होता, इट मींस कि वो उधार ही है, यानी वो लायबिलिटी है। चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन, मैंने मोहन से फर्नीचर खरीदा उधार पे। दो चीजें, फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है, और क्रेडिट मतलब उधार मतलब ये क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक एसेट की बात हो रही है और एक हो रही है लायबिलिटी की बात। एसेट की बात, आपने फर्नीचर खरीदा, अब मुझे बताओ फर्नीचर हमारा जो एसेट है बड़ा या कम हो गया। खरीदने पे मैंने पहले भी बताया कि जो भी चीज खरीदेंगे वो बढ़ेगी, और अगर एसेट बढ़ा तो इंक्रीज को कहां लिखते हैं, डेबिट में। फर्नीचर को कर लिया मैंने डेबिट। अब आगे लायबिलिटी, क्रेडिट पे खरीदा उधार है, जब भी हम उधार लेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो उसको कहां लिखते हैं, इंक्रीज कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। तो यहां मोहन मेरे लिए एक लायबिलिटी है, उसको मैं क्या कर लूंगा, क्रेडिट। तो फर्नीचर को मैंने क्यों डेबिट किया, क्योंकि एसेट है, फर्नीचर परचेज करने से हमारा एसेट्स बढ़ जाते हैं तो इंक्रीज को डेबिट कर लेते हैं, और अगर उधार में खरीदा तो साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये रूल मैंने आपके सामने यहां लिखा हुआ है। अब करते हैं बात कि सपोज करो कि ये जो मोहन था जिससे मैंने उधार में फर्नीचर खरीदा, इसको मैंने पेमेंट कर दी, पेड टू मोहन, ये 5,000 मैंने मोहन को पेमेंट कर दी। अब मोहन हमारा क्या था, लायबिलिटी था, ठीक है, और पेमेंट कर दी, कैसे कर दी भाई, कैश में ही की होगी, 5,000 कैश की बात हो रही है, अनलेस की चेक का जिक्र हो, तो इसका मतलब कैश की बात हो रही है, एसेट्स। अब मुझे एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले मैंने मोहन को 5,000 की पेमेंट कर दी, यहां पे लायबिलिटी थी, इंक्रीज हुई। जब लायबिलिटी बड़ी थी तो मैंने क्रेडिट कर लिया, लेकिन जब लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा तो लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तब उसको क्या करूंगा, डेबिट। उधार लिया था, लायबिलिटी बड़ी थी, मैंने क्रेडिट कर ली, और जब उधार वापस कर दूंगा लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर मैं मोहन को उसका उधार वापस कर रहा हूं 5,000 का, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट। तो इस केस में मोहन को कर लूंगा मैं डेबिट। अब बात करते हैं कैश की, लायबिलिटी कैसे डिक्रीज हुई भाई, क्या किया मैंने, मैंने मोहन को पैसा दे दिया, इट मींस कि पैसा दिया, मेरा कैश जो है इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, कैश मेरा डिक्रीज हुआ, कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां पर कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो डेबिट किसको किया, मोहन को, और क्रेडिट किसको किया, कैश को। क्यों मोहन को डेबिट किया, क्योंकि यहां पर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, और डिक्रीज को हम क्या करते हैं, डेबिट। और एसेट्स को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट्स यानी मेरा जो कैश है वो भी डिक्रीज हो रहा था, और डिक्रीज को भी क्या करते हैं, एसेट्स की डिक्रीज को भी क्या करते हैं, क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर है। तो बात की मैंने कैपिटल की और लायबिलिटी की, दोनों आपको आई होप समझ आ गया। अब बात करते हैं इनकम्स की, अब बात करते हैं इनकम्स की। इनकम्स की बात करूं, रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन मिली मान लो 2,000। जैसे मैंने कहा था किसी सर्विस के बदले में आप पेमेंट करोगे तो वो एक्सपेंस है, इसी तरह अगर किसी सर्विस के बदले में आप रिसीव करोगे तो वो आपकी इनकम है। तो क्योंकि मैं यहां कमीशन रिसीव कर रहा हूं तो मैंने इसका मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड की जिसके बदले में मुझे कमीशन मिली, तो ये कमीशन मेरी क्या है, ये कमीशन मेरी इनकम है। और कैसे मिली भाई, जरूरी नहीं है कि कैश लिखाओ, कैश की फॉर्म में लिखी तो कैश मेरा एसेट है। चलिए आइडेंटिफाई हो गया, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अच्छा, इनकम की बात करते हैं। जब मैं कोई इनकम रिसीव करूंगा, चाहे वो कमीशन हो, चाहे रेंट हो, चाहे डिविडेंड हो, कुछ भी किसी भी तरह की इनकम रिसीव करूंगा, तो मेरी इनकम्स बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, ऑफ कोर्स मेरी इनकम्स बढ़ जाएंगी। और इनकम्स बढ़ गई, सबके लिए सेम रूल है, कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम, इनकम्स अगर इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो कमीशन को मैं कर दूंगा क्रेडिट। अच्छा, अब आते हैं कैश पे, कैश मेरा एसेट है। जब मुझे कमीशन रिसीव होगी तो मेरा कैश बैलेंस जो है, यानी कैश कैसे रिसीव होगी, कैश मिलेगा ना, तो कैश मेरा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा कैश। और एसेट यानी कैश अगर इंक्रीज होगा तो क्या करूंगा, उसको डेबिट। तो यहां पर कैश को मैं कर लूंगा डेबिट। तो किसको डेबिट किया, कैश को। क्यों भाई, मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। और इनकम को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनकम भी मेरी क्रेडिट हो गई। आई होप ये आपको क्लियर है।
अब ये सिंपल थे, आपको जो एमसीक्यूज पूछा जाएगा वो मतलब इसी तरह की एक ट्रांजेक्शन होगी, आपको पूछा जाएगा विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, ये भी मैंने सिंपल कराए हैं। अब आज के दिन आप इन्हीं पे थोड़ा सा फोकस कर लो, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थोड़े डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करूंगा, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा एट द सेम टाइम कि जो जो आपको जनरलिटीज डिफिकल्ट लगती हैं आप ऐसा करें उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि जनरल बहुत बड़ा है, मैं इसको जल्द मतलब इतनी जल्दी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूं कि आप ये करो कि जो जो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल जनरल एंट्रीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार, तो मैं वहीं से लेकर बना दूंगा। ऑफ कोर्स जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल होंगी, कोई एक लिखेगा तो सबके लिए है, तो वो मैं उसकी आपको यहां पे बता दूंगा कि कैसे किसको डेबिट या किसको क्रेडिट करना है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं उसी को लेकर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ जो ये तो हमने अभी काम किया मॉडर्न अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे जनरेंटी बनती है वो भी आपको सिखा दूंगा, जो ईजी लगे वैसे कर लेना। तो कुछ जनरेंटीज मैं खुद लेके आऊंगा, कुछ मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, सो दैट कि ये कोशिश करूं कि जल्दी ये रैप अप करने की, क्योंकि जब एक बार मुझे पता चलेगा कि किस तरह की जनरेंटीज आपको नहीं समझ आती वैसी जनरेंटीज करवाऊं, क्योंकि इसी तो सबको आती हैं, तो जल्दी ये रैप अप भी हो जाएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। हाँ कुछ एमसीक्यू जरूर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एमसीक्यूज थे लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं अभी, जो आज पढ़ा उसके ऊपर। चलिए जी, ये एमसीक्यू सॉरी, फर्स्ट जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल को क्या कहा जाता है? ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बोथ सेकेंडरी एंट्री एंड फाइनल एंट्री। तो जर्नल को कहा जाता है ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसको कहा जाता है? लेजर को, ये याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं? ऑप्शंस आर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वीकली, एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने आज ही आपको बताया कि इन ऑर्डर ऑफ अकुरेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, जब वो ट्रांजेक्शन हुई उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है, इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग, ट्रांसफर, रोलिंग, उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग किसको कहते हैं? जर्नल के बाद जो हम लेजर बनाते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जब हम कैश में डोनेशन देंगे? ऑप्शंस आर कैश अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट अकाउंट। जब हम डोनेशन देंगे तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? देखिए मान लो आपने डोनेटेड कैश, मान लो 1,000 कैश डोनेट की, ठीक है। अच्छा किस अकाउंट को हमें क्रेडिट क्रेडिट करना है? सबसे पहले मुझे बताओ, डोनेशन जो हमने दी हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं, आज का वो रूल देख लो, तो डोनेशन को तो हम करेंगे डेबिट। और जब हमने डोनेशन दी किस फॉर्म में दी? कैश के फॉर्म में। कैश हमारा बढ़ेगा या घट जाएगा? कैश घट जाएगा। और एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या क्वेश्चन था? किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? दैट इज कैश अकाउंट। सेल्स ऑफ गुड टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू, हमने राम को गुड्स बेची। अच्छा राम को गुड्स हमने बेची हैं, ठीक है। अब यहां मैंने कहा था कि आपकी जो सेल्स है वो दो तरह की है, कैश या क्रेडिट। कैसे पता चलता है कैश सेल है? नाम लिखा होता है, लेकिन देखो कंफ्यूज करने के लिए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, यहां लिखा हुआ है कैश में बेची है। अगर ये सिर्फ इतनी होती सेल्स ऑफ गुड्स टू राम तो हम ये मान लेते कि ये क्रेडिट सेल है, लेकिन यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि कैश में बेचा, तो किसको डेबिट करेंगे? जब हम कैश में कोई चीज बेचेंगे तो कैश हमारा बढ़ेगा या घट जाएगा? कैश हमारा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, तो जब हमारा कैश बढ़ेगा तो कैश को हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। तो इसने पूछा विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, हम करेंगे कैश अकाउंट। हाँ इसकी जगह पूछा होता है विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तो किसको क्रेडिट करेंगे? सेल, क्यों? इनकम है, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, रूल देख लो जो मैंने इससे पहले लिखवाए थे, इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो अगर इसका आंसर होता विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड की जगह क्रेडिटेड, इसका अगर डेबिटेड की जगह इसका होता विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तब इसका आंसर सेल होता, लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से कैश अकाउंट है।
चलिए दोस्तों, इसके बाद भी कुछ एमसीक्यूज हैं, लेकिन वो आज नहीं, थोड़ा अभी मैंने वो करवाई नहीं है सीजन एंटिस, वो आज नहीं, हम कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फिर बोल दूं कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज, याद रखना इसी टॉपिक से रिलेटेड कि किसकी जनरल क्या बनानी है, किस अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट करना है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसके अलावा मैं खुद से भी आपको कुछ जो है डिफिकल्ट लेवल की जनरल एंट्रीज बता दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कैपिटल की, वो हम कल के सेशन में करेंगे दोस्तों। तो हो सकता है कि अभी दो दिन ये सेशन और चले, तो इसके बाद हम लेजर करेंगे जो कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।